डियर स्टूडेंट्स नाउ वी शैल रीड दिस पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोस्ड बाय थॉमस कैरी, हुन इन फिफ्टीन इन 1598 एंड डाइड इन 1639. इस कविता को थॉमस कैरे ने लिखा है लिखेंगे कैरू पढ़ेंगे कैरे जो जॉन्डन और बेन जॉनसन इंग्लिश पोएट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे बेन जॉनसन थॉमस कैरे के गुरु थे और थॉमस कैरे ने एक लॉन्गेस्ट पोएम लिखी है उस पोएम का नाम है द रैप्चर जो लव पोएम है और इनकी मास्टरपीस पीस पोएम है मुख्य रचनाओं में से है मास्टरपीस पीस पोएम है लेकिन वर्तमान में जो हमारे सामने एक कविता है द ट्रू ब्यूटी सच्चा सौंदर्य इस कविता में थॉमस कैरे ने दो प्रकार के ब्यूटी का वर्णन किया है एक फिजिकल ब्यूटी और एक स्पिरिचुअल ब्यूटी दो प्रकार के ब्यूटी का वर्णन किया है एक फिजिकल ब्यूटी और एक स्पिरिचुअल ब्यूटी फिजिकल ब्यूटी में रोजी चीक कोरल लिप और स्टार लाइक आइज का वर्णन किया है शारीरिक सुंदरता है ये ऐसी सुंदरता है जो समय के साथ साथ समाप्त हो जाती है टेम्प्रोरी होती है क्षणिक होते हैं फिजिकल ब्यूटी डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम लेकिन दूसरी ब्यूटी जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है जिसको कभी बहुत ज़्यादा लाइक करता है बहुत ज़्यादा पसंद करता है उस ब्यूटी में आध्यात्मिक सुंदरता आता है अब कौन कौन सी चीजें आती हैं? ब्यूटी ऑफ माइंड सोल एंड कैरेक्टर मस्तिष्क आत्मा और चरित्र की सुंदरता इस स्पिरिचुअल ब्यूटी के अंतर्गत आती है और यह सुंदरता ऐसी सुंदरता होती है जो परपिचुअल परमानेंट एंड एवरलास्टिंग। हमेशा शाश्वत अस्थाई हमेशा बनी रहने वाली सुंदरता होती है स्पिरिचुअल ब्यूटी तो कवि ने बताया कि विदाउट द ब्यूटी ऑफ द सोल फिजिकल हैव नो वैल्यू कि बिना आत्मा की सुंदरता के शारीरिक आकर्षण का कोई महत्व तो नहीं है कोई वैल्यू नहीं है आगे बात समझ में इस प्रकार इस कविता में छोटी सी कविता जो लिरिक के रूप में है म्यूजिकल है लयात्मक है गे पद है इस कविता में कवि ने स्पिरिचुअल ब्यूटी की बार बार प्रशंसा किया है कि स्पिरिचुअल ब्यूटी जो माइंड सोल और कैरेक्टर की ब्यूटी होती है ये हमेशा परमानेंट होती है एबल लास्टिंग होती है इटरनल होती है और परपिचुअल होता है बात समझ में तो कविता की लाइनों को हम पढ़ते हैं और पढ़ के फिर अर्थ समझते हैं क्या है कभी ने क्या कहना चाहे ही दफ्ज अ रोजी चीक आर ए कोरल लिप एडमायर्स आर फ्रॉम स्टार लाइक आईज फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ऑल टाइम मेक ओल्ड टाइम मेक्स दिस डी सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे बट इज स्मूथ हो गई ये बारह लाइन की कविता हो गई तो पहला स्टेंजा जो है पहले स्टेंजा में कवि फिजिकल ब्यूटी का वालन करता है देखिए क्या है दैट लवज आ रोजी चीक ही वह जो वह जो प्रेम करता है अरोजी चीक एक गुलाबी कपोल की गुलाबी कपोलों की जो प्रशंसा करता है जो प्रेम करता है गुलाबी कपोलों से जो प्रेम करता है अर्थात एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से एक लवर अपने बिलबेड से प्रेम करता है उसके गुलाबी कपोलों के कारण ही लब्ज़ अ रोजी आर कोरल आर अ कोरल लिप या तो उसके मुगे सदृश्य लाल लाल ओठों की प्रशंसा करता है आर ए कोरल लिप एडमायर्स या उसके मुगे सदृश लाल लाल ठों की प्रशंसा करता है इसलिए प्रेम करता है या आर स्टार आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज दीख तारों सदृश आंखों में सितारों जैसी आंखों में तलाशता है सीक में तलाशता है फ्यूल ईंधन की तलाश करता है टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी प्रेम अपने प्रेम रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन की तलाश करता है अर्थात रोजी चीक कोरल लिप और स्टार लाइक आइज ये उस लवर के लिए फ्यूल का काम करते हैं ईंधन का काम करते हैं जो उनके प्रेम को बनाए रखते हैं आगे बात समझ में अच्छा सा मेटाफर प्रयोग किया है लेकिन एज ऑल टाइम मेक्स दिस डी लेकिन एक समय ऐसा आता है एक समय ऐसा आता है कि सब कुछ खत्म कर देता है समाप्त कर देता है रोजी चीख की सुंदरता समाप्त तो हो जाती है कोरल लिप की सुंदरता समाप्त तो हो जाती है स्टार लाइक आइज की सुंदरता समाप्त तो हो जाती है गालों की लालिमा खत्म हो जाती है कोरल लिप की लालिमा खत्म हो जाती है आंख धुदला दिखाई पड़ने लगता है और प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करना बंद कर देता है जो ओल टाइम समय बुढा बना देता है समय समाप्त कर देता है मेक्स दीज डीके इन सबका क्षय कर देता है इन सबकी सुंदरता का क्षय कर देता है समाप्त कर देता है सो हिज फ्लेम्स मस्ट बेस्ट अवे इस प्रकार उसके अंदर जो प्रेम की अग्नि होती है वो सब बुझ जाती है समाप्त हो जाती है खत्म हो जाती है इस प्रकार फिजिकल ब्यूटी समय के साथ साथ समाप्त होती है समाप्त हो जाया करती है समाप्त हो जाती है इसलिए कभी फिजिकल ब्यूटी की फिजिकल ब्यूटी को नहीं मानता बताने कोशिश किया है कि फिजिकल ब्यूटी समय के साथ साथ समाप्त हो जाती है लेकिन दूसरे स्टैंडा में जिसमें कभी ने स्पिचुअल ब्यूटी को महत्व दिया है आध्यात्मिक सुंदरता को महत्व दिया है वो क्या है देखिए बटी स्मूथ थॉट एंड कॉम डिजायस हार्ट विथ इक्वल लव कम्बाइंड कैंडल लेवर डाइंग फायरस आई डिस्पाइज लवली चीक आर लिप्स आर आइज देखिए ध्यान से बट स्मूथ लेकिन एक साथ बना रहने वाला बटी स्मूथ कॉन्स्टेंट चिकना एक साथ बना रहने वाला एन स्टेट फास्ट माइंड दृढ़ मस्तिष्क स्टेट फास्ट माइंड दृढ़ मस्तिष्क जेंटिल थॉट्स अच्छे सुंदर पवित्र विचार अच्छे अच्छे विचार सुंदर सुंदर विचार पवित्र विचार एंड काम डिजायर्स और शांतपूर्ण इच्छाएं काम डिजायर्स शांतपूर्ण इच्छाएं और क्या चीज हार्ट बीथ इक्वल लव कंबाइन समान हृदय से जुड़े प्रेम हार्ट बीथ इक्वल लव कंबाइन समान हृदय से जुड़े प्रेम कांडिल उत्पन्न करते हैं नेबर माने कभी नहीं डाइंग माने मरने वाले फायर्स माने अग्नि अग्नि माने प्रेम कभी ना समाप्त होने वाले प्रेम को उत्पन्न करते हैं कभी ना समाप्त होने वाले प्रेम को उत्पन्न करते हैं कभी ना मरने वाले प्रेम को उत्पन्न करते हैं कौन सी चीजें कौन सी चीजें स्मूथ स्टेटफास्ट माइंड जेंटल थाट्स काम डिजायर्स ऐसी चीजें होती हैं जो कभी समाप्त नहीं होती अच्छी चीजें कभी समाप्त नहीं होती पवित्र चीजें कभी समाप्त नहीं होती लेकिन कथा वेर दीज आर नॉट जहां ये सब चीजें नहीं होती जहां स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं होती जहां पर ब्यूटी ऑफ माइंड सोलर करेक्टर नहीं होता आई डिस्पाइज मैं नफरत करता हूं लवली चीक सुंदर कपोलों की लिप्स कोरल लिप्स की मुँगे सदस्य लाल लाल ओठों की और स्टार लाइक आइज से मैं नफरत करता हूँ क्योंकि ये सब ब्यूटी ऐसी ब्यूटी होती है समय के साथ साथ समाप्त हो जाती है लेकिन जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है जिसको हम जिसमें हम स्टेट फास्ट माइंड जेंटिल थाट्स काम डिजायर्स स्मूथ ये सब चीज़ें इसमें आती हैं ये परमानेंट होती हैं परपिचुअल होती हैं इस प्रकार कवि ने स्पिरिचुअल ब्यूटी के महत्व को इस कविता में बताया है यही सच्चा सौंदर्य है आगे कविता समझ में कविता समझ में आ गई दैट्स ऑल थैंक यू